सुमिरन करके जगदम्बा को और ले बजरंग बलिया को नाम सुमिर मैया फादिलपुर की उसर लई ती समाधि लगाई और सुमिरन करके गायत्री को सीता सावित्री को शरणाए पूज्य गुरु आधार चैतन्य पद कमलन में ध्यान लगाई कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया नैया दी जोर पार लगायो बजरंगी हर के संगी जंगी गदा हाथ हर बारी और सुमिर शीतला में नपुरी की नदियाई सन के मैदानी कह कह और उत्तर ओरी जब मैं नपुरी के सुंदर भवन लौरी बनवाई खैया पेड़ तो बालो कहियर पेड़ बरग धा प्यारी और माह महीना तीर पूनो को मेला भारी ले तलगाई और भोला सुमिरत झारखंड के बैठे पूरा बलिया में जाए राठौर के सीट की नैया को भोला खेई लगाइयो पारी नौजवान साथियों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता अनसुईया सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माताएं बहनें, आज जो राठौर कैसेट के माध्यम से और आलम ही हम जो नवीन प्रोग्राम रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं, शायद इस प्रोग्राम से पहले हमने नदी बेतवा की लड़ाई के माध्यम से आपको दे दी है और नदी बेतवा की लड़ाई से पूर्व दिल्ली के सम्राट महाराज पृथ्वीराज ने बनाफर वंश के महाराज मलखान का खून कर दिया था जिसकी लाश अट्टा में बिलख रही थी और इधर सभी बनाफरों ने आकर नदिया पर पृथ्वीराज चौहान से घोर संग्राम किया है और नदी से विजय की पत्रिका लेकर सभी महोबे वाले जवान सिरसा की तरफ प्रस्थान करके चले हैं जहाँ पर इनके भैया मलखान की लाश रखी है और
इनकी भाभी जो गजमोतिन है, ये अपनी पिया की लाश की सुरक्षा कर रही है। तो लीजिए, पेश है आपके समक्ष आल्हा में गजमोतिन सती। आज समर भयंकर भाव न दिया बे, और जीते जंग कनौज राय कोई विजय पत्र लाखन जपाओ, मानी पिथिया राजन जोहार। और विजय को डंका बाजन लागो, उदल कहाँ न लगे थे मुसिख्या कोई, आज दोस्ती या मेरी नदिया पे लाखन तुमन दी चुकाई। और तब ही लाखन बोलन लागे, लोहरे पूत दे बला क्यार कोई, मोहुआ गौ संग रहे को आंसू भरत कनौजी राय। और लाश धरी है आज खुन खुन की, और लोहू से होदा भरो हमार कोई, लेके लहसन नदिया में डालो लाखन कहाँ न लगे ते मुरझाए। और खोलिए डाटे हाल सुपना नैनन बहिती नीरखी धारी, और जो जो सूर नदी पे जूझे तिनकी अरथिया दैति जलाई। ए चोबन नगाड़े की घन गुंजे आज नदिया पे दैति सुनाई। मेरे नौजवान साथियों, इधर पृथ्वीराज चौहान से विजय की पत्रिका लेकर महोबे के सब जवान खुशी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन जानते हो लोगों, जानती है रे महल को जो परिहार गुंडैया तारी। अरे कान भनक महल के पर गई तब तीरथिया ते कई सुनाई। ए मन के बढ़िया लाखन हुई गए तो बिन बाण रहे रे छुड़बाई। काय काय और लिख देव पाती या फिर लाखन को फिर के युद्ध देव ठहराई। और तब ही केला बोलन लागो, राजा सुनो धनिया चौहान, अरे देई के घाबय बेना पुरे मानो शब्द वेद चौहान। धरी है सिर सापत की उदल रोई रोई रहो भेरा, ए रड़िया गजमोतिन बैठी है बाइन का सती दे करवाई। पर को मन तुए या बभाटन की राजन पाती है लिखी बनाई, सिद्ध श्री सरना मालिक के ब्यूरा लिखत धनिया चौहान। और मन के बढ़िया लाखन हो गए ना हर पूत तिलक दे ग्यार, और लिख दई पाती आज लाखन को फिर के युद्ध दो ठहराए। और काल युद्ध हम तुम संग करिए हरे प्राण समर में आए, और 7 लाख फौज नदिया पे फिर बिरथिया ने दही चढ़ाए, और लेके पाती दे हर कारे जोर लाखन पे दऊ पठाए। और पाची पाती धड़की छाती लाली रैया ने न पे छाए। ए
बब को लड़का देवे बालो नहर पूता दे बला क्या अरे लाखन राना की दम कायम तो नहीं बंद होते तलवार और पीछे सतिया हो सिरसा में हम पिरथिया के हने पिरान और बहिया गए के तब आलान और उदल से कही सुना मरे धरे मलखाने और मोहलत ले ले पांच रोज की उनकी सतिय देव करवारी और सती जा करके गज मोतिन को फिर डट डट के करो तलवार और कागज लेके कल पी बालू पाथी लिखत बना भरला मेरे नौजवान साथियों, जिस वक्त उदल की आंखों में लोहू के कतरे आए हैं उदल के बड़े भैया मंडलीक ने उदल को समझायो है विनाश काले विपरीत बुद्धि उत्सवे व्यस्त ने प्राप्त दुर्भिक्ष शत्रु संकटे राज दरबारे शमशाने यस्त बांधवा उत्सव में व्यापार में और बुरे समय में जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। ये बुरा समय है उदल, पृथ्वीराज से जब तक हम मोहलत नहीं लेंगे और तब तक हम मलखान की लाश को चिता में दफना नहीं सकते। मेरे नौजवान साथियों, महोबे के सभी बना पर बैठ जाते हैं और अपने भैया की लाश को दफनाने के लिए पृथ्वीराज से मोहलत मांगने के लिए खत लिखने लगे। क्या लिखा है खत में? रोई रोई पाती रोई रोई पाती आल्हा ऐसे लिखी रहे जी। जाके नैनन हमें गुइया नैनन बरसता नीर रोई रोई पाती आला ऐसे लिखी रहे मोहलती दे दे राजा पांच रोज कीजी मोहलती दे दे मोई पांच रोज कीजी के फिर डटी डटी के करो तलवार रोई रोई पाती आला ऐसे लिखी रहे महोबे बालों ने खत। और जब समस्या ये आई कि खत लेकर जाएगा कौन, आला के लड़का इंदल को बुलायो है और उदल ने उसे पुचकार के अपनी गोद में बिठाया और क्या बोले बेटा, एक गोदी लेके आजो बेटा को बोलो देश राजा को ला सिरसा सती करन के काज बेटा पाती दियो पठारी और आंसू भर गए तब इंदल कहे और जल कोरा कोरा हुई जा और हाथी पछाड़े दरवाजे पे जबरन बेल्हा लई दी बिहारी
चलते इंदल नजर दिन खो जाई और इतनिया कह के रोवन लागो नैनन बहाती नीर की धारी। और बहिया गए के तब उदल ने सुत इंदल खो दाओ समझाई और सिरसा समर सती है बेहेल मरखियला सम्मल हरे ग्यारी। और माटी बिगड़े तेरे चाचा की इंदलिया कली गई अब बोराई और सती जा करके निज चाची को करियो नदिया पे तलवारी। चल दो पहुंचो पिथिया राजा दे जाई और बाहर तमुआ के मुगदर को हेलत धांधू पड़े लखाई। इस वक्त इंदल ये खत लेकर पृथ्वीराज चौहान की सभा में पहुंचा है। और एक बात और बताने लोगों आपको, ये जो धांधू था मंडली के पिताजी देशराज के बिंदु से पैदा था, लेकिन ये दासी के गर्भ से पैदा हुआ था और महाभारत और शास्त्र के अनुसार इसे कर्ण का अवतार बताया जाता है। और ये महोबे के वंश में पैदा होने के बावजूद भी पृथ्वीराज का साथी बन गया था। जब ये इंदल खत लेकर पहुंचा है तो धांधू के दिल में क्या बात आई। एक काकुल ही ना बना फर हो गए मिटियाई भोजा बना फरला और अकेले मलखे के मर गए मैं नाथ महोवे क्या। और भुजा फड़क रही है जब कुदरी में मानो उले उठिया तलवार। अरे बहिया गए के आज इंदल की तब धांधू ने कही सुना। अरे जुज मल्हारो गौ सिरसा में फौज हटते धनी चौहान। और आई गई सुद जब ने जब भैया की धांधू रोए रोए रो भैराए और बहिया गए के तब चाचा की सुत इंदल ने कही सुनाए। मुए पांच रोज की मोहलत दे देव बाद में डांड दिए भरवाए और पिथिया राज के रे तमुआ में पोचो पूत बना भर जाए। और यावत देखो तो जयंदल को राजा ने छाती लो तो लगाए और आदि गद्दी पे इंदल है आदि पे डटे धनिया चौहान। और ले की चिट्ठी आया जो लाखन की और पृथ्वी पौदई दिगहारी और हंस के पृथ्वी बोलन लागे इंदल सुन ले अरज हमारी। ओठों पर मुस्कुराहट लाकर पृथ्वीराज ने इंदल को क्या जवाब दिया। ये खत लेकर तुम आए, शायद इस खत को लाने से पहले तुम ये सोचना था कि हमारी दुश्मनी दोस्ती नहीं है। शायद लाखन को अभी तक ये पता नहीं कि पृथ्वीराज से झगड़ा मोल लेने का नतीजा क्या है। और क्या बोला चौहान। और न मालूम है बालाखन को है का चीज धनी चौहान और राड़ होना ये मेरे उदल से बजी है नदिया पे तलवार। जल्दी भेज दे ओ लाखन को हम बके हने समर में प्राण। अरे साबित लौट जाए कन बज को तो मैया के दूध हराम। आंखों में लोहू के कतरे लेकर इंदल कहने लगा चौहान अगर लाखन के लिए जरा भी शब्द गलत यूज किए तो उसका नतीजा क्या होगा।
अरे हम लाए ते उन लाखन को हम नहीं बंधवाई अंदलवार। अरे हो जो छतरी तेरे नदिया में जो लाखन पे कसे कमाते। और बाद में सत्य होई चाची की दिल के मेट ले अरमान। अरे नग्न सिरोही सो सिर काटे भाजन बचो धनिया चौहान। भैया सुने इन लिखे बैन पेट में जाड़ो हुई हुए। अब तो सुने इन लिखे बैन पेट में जाड़ो हुई हुए। जाड़ो हुई यो है अब तो सुनीन दल के बैनक भैया। जिस वक्त इंदल और पृथ्वीराज का ये वार्तालाप हुआ है, केला भाट ने पृथ्वीराज को परामर्श देकर सिरसा सम्राट मलखान की लाश को जलाने के लिए 5 रोज की मोहलत बनाफरों के लिए दे दी है। और ये सभी बनाफर नदी बेतवा से अपनी फौजों को लेकर जिस वक्त सिरसा की सीम पर पहुंचे हैं, दशा क्या है लोगों सिरसा की? आज लेखेंजे फौज उदल चल दए। और नदिया उतर गए बापार आगे जो बढ़ के उदल देखत मर्दो ध्यान बिसर न जाए। और ससक स्यार साबर और सुअरा और नाहिया सिंगन को एक छुपार कोई सिरसा वाले मैदानन में लहसक लगन लगे ते अंबार। और समर भयंकर भव सिरसा में लहसे डरिया डरिया बिलखाए कोई ऊपर नजर उठी थी उदल की तब जागन ते कही थी सुनाए। जैसे ही सिरसापत सम्राट मलखान के किला के ऊपर उदल की नजर पड़ी है और जागन इनके करीब खड़े थे, उदल ने क्या जवाब दिया? अरे रिसहा हुई के उदल बोले जागन अखली गई या बोरा। अरे किलो कपट प्रगट ना कीनो तो मलखान मरो बतला। और देखो घूमत सात खंडा पे कर से तेगा रहो तो चमका। और चका चौंद कोंदा सो हुई गो जाई परत फौज में जा। आज गज मोतिनी अटिया बैठाड़ी पति अपने की अला सरखाई। और तेगा नगिन गहे ती कर में रजपूतिया को भेष बनाए। तब जागन बोलन लागे मामा सुनो बना फरला। और अब मलखान ज्वान का जीवित सुख में बसे सुरग में जा। और मामा तुम्हारे बा नदिया की धूरा रही थी द्रगन पे छा। सिरसा के फाटक पे सब दल जोर रहो तो अजमाए। अरे सत समारोह मंडली कने दो फाटक पे धगा लगा।
अरे खुलियो फाटक दरवाजे को भीतर चल तो बना फरला और गजबो तिन ने मन में जानी को बेदहलिया केरे चौहान और मेरे जियरा में भ्यासत ये बेरिन फाटे का दो गिराए और तो में धरी हतीर निन बेतिन में आगी दई लगाए और गरजी तो पधरल दहलानी रजौड़ छिपत गौन में भान और कई एक जवान मरे लाखन के कई एक कुंजर गए नसाए और तबई संतरी लाखन जू को झंडा दो तो से त दिखाए और तमगा मानो गज मोतिन ने तो पे बंद दंय करवाए और सुन सुन सोर घोर सिरसा में ही सन लगो पे दुलाबार और मैया जान गई मलखे की आई है देश राज के लाल सुरजन चैतन्य दिनायवनी के आई है ओरे ओ भैया राठौर ठौर अब तुमको मिल गौ है तुमको मिल गौ है ठौर जू तुमको मिल गौ है ओरे ओ सुरजन चैतन्य ठौर अब तो को हुई गौ है मेरे नौजवान साथियों सिरसा पर सम्राट मलखान के फाटक खुले हैं और सभी महोबे वाले जबान अंदर जाने लगे हैं और जब गजमोतनी ये देखा है कि मेरे किला का फाटक खुल चुका है पृथ्वीराज चौहान के जवानों को समझकर जब तोप में आग लगाई है लेकिन उसी वक्त मलखान के दोस्त लाखन का संकेत पाकर गजमोतनी ने तोपे बंद कर दी और जब ये सभी जवान सिरसापत सम्राट मलखान की लाश के पास पहुंचे दशा क्या थी लोगों उस वक्त मलखान की दुल्हन अपनी पिया की लाश को रखाई रही थी मलखान की मैया अपने मासूम बेटा की लाश को अपनी जंघा पर रख के सिसक रही थी आज निरखत भवन भयानक लागत जागत शोक सिंधु अभिराम और कौआ रोबत हुए सिरसा में मानो सिया हरन हुई जाए और जा पे बंगला नुन मलिखे को कागा रोए रोए किया मड़ राए और देखी दसाया जो सिरसा की रोई पूत देवला क्यारी और हिलकिया भरी भरी रोवे जर जर पूछो अटिया के मैदान और रखी तिला सबीर मलखे की मैया जाकी रही रखाए और ठाड़ो बहोरन सुत मलखे को तब चाचा ते कही सुनाए गजमोतिन ने कही सुनाई और अब क्यों आए दिवर हमारे बारे पे राण दई करवाए और डंडे मिटे जिगर वे ठंडे मिलके कंथ दई मरवाए और बदी तुम्हारे हाथ ही जिगर में जब से बसे सिरस बाया पूछत नाई हमें अब मलखे बैठे किला बांधी अपवाए और तासो मन की उदल कर दई मोजू रड़िया दो बनाए और हिलकी बंधी आज उदल की नैनन बात नीरकी धारी और ऐसी बोली अब मत बोले भाबज पैया परे तुम्हारे और जब दल सिंधु झुको पिरथी को रिजगिर देती खबर लगाए और अकेलो
दे और रखियला सयाज भैया की रोवत खड़े बना फरला दे। इधर तो मलखान की लाश को देखें, सभी महोबे वाले जवानों की आंखन में आंसू है और तब तक मलखान को लड़का बहोरन उदल के पास आ गया। उदल ने आंखन में आंसू लेके उस मासूम बेटे को अपनी गोद में उठाया कि का पूछ लगे बेटा। और चलती अबरिया मेरे भैया ने का तोहे बेटा दई बताए और रोए के सुत तब बोलन लागो चाचा सुनो बना भरलाल और करके जंग पिता पिरथी से एकदम गए अटा भयाए और खोले गांसिया लो हाथन ते और धरती पे लो बिछाए और खोलत तंग अंग भोड़ी लो घोड़ी ने दो तो प्राण गमाए और मरती बार बचन जू बोले मोयू दल को दियो दिखाए। और इतनी कह के रोबन लागो तब उदल ने लो तो ठाए मोए मिलइयो मेरे बबुला ते चाचा पैया परे तुम्हारे। आज बहोरन केरे रोबन में छाती फटते उदय सिंह प्यारे जब उदल उठ गओ अट्टा पैसे और बंगला में पहुंचो जाए और सुनी दशा देख गद्दी की एक कदम गिरत पाए फैलाए और काड़ कटारी को कमर ते और छाती पहलो लगाए और के तो मिले मल्हारो उठ के नेकी बदी दे समझाए और जो न मिलिए सिर सवालो तो हम दिए प्राण गमाए। आज एक हरकारा भाजत तू आवे आल्हा मंडली कै बतावे एक आपदा सर से टूटी दूजी विपत्ति रही अभेरारी। और उदल बिचलो है बंगला में हृदय लो तो कटार जमाई और सुनी खबरियां आज बंगला की कपियो पूत देवला क्यारे और लाखन रज सकल बना पर पहुंचे बंगला के रे मैदान और बहिया गए के सुत उदल की तब आला ने कई सुनाए और काए को भैया पागल हो गए आज मोई रोई रोई रहे रुवाए और मरे मराए जो मिल जाते तो फिर सब लेते लौटारे और जाने जन्म लो दुनिया में मर के स्वर्ग धाम में जाए और उदल ठाड़ो भाव बंगला में तब आला पे कई सुनाए और जो न मिलिए सिर सावालो तो हम मारे कंठ कटार और जाए कि मिलिए स्वर्ग धाम में भैया मानो कई हमारे और भैया गए के तब उदल की और वाला ने कई सुनाए और तन कबिल में जा तू बंगला में कोई मलखे से दिए मिलाए और देवी शारदा की मठिया में पूछो पूत देवला क्या और लेके हम नया जुकाल हनी जोर मठिया में दौड़ जाए। हवनऊ रचाए अरे सुन बारानी जा सैया ते ठाड़ी माखी बदन पे बैठना जाए प्राणी नामा के स्वर्ग में पहुंचो शिव चतुरानन जे परत ही दिखाए सभा सोने सिंहासन सोहत चौकी पे यार मलखान आपत देखो तो आज भैया को ठाड़ो
लड़ती है मोई जियरा में, मारे गए थे बना फरलाल। हो समरइयो कह राठौर साहब, थोरन का आला में दिए दिखाए। अरे ओ आधार जाधार में नैया, सुरजन की खेके लगाइयो पार। अब लाख भैया की याद अब लाखे, दिल की पूरी जादी है करवार। अरे कृपा दृष्टि जो रही ईश्वर की, आला में तहलका दिए मचार। तलवार दे दई चुनौती सब भारत को, है कमाल रे धनी चौहान। तब मलखान जान हंस बोलो, दादा पैया में पर जाओ तुम्हार। कैसे आए स्वर्ग धाम में, रह रे प्राण जू रहो या खुल्यार। तब ही आला जे बोलन लागे, सुनियो पूतरे ही अनुपयाज। सात तज के पृथ्वी राज ने महुबे पे तो बजा लगाए दई जा। दे दई मदद रे मित्र लाखन ने, नदिया पे बजी थी विषम तलवार। अरे लाखन राणा की जीत नदिया पे, भजियो दिल्ली को यार चौहान। शिरसा सती रे करन के काज, आये सकल रे बना फरलाल। अब प्रण कर लो है रे उदल ने, हृदय पे लो है कटारो जमाल। क्यों, बात क्या है? मलखान जब पूछने लगे आखिर, दादा उदल के हृदय पर कटार जमाने की कोई न कोई तो विशेष बात होगी। सुनो भैया, लिखे से दीजो मिला। अरे जो नहीं मिली है सिरसा वालो, उदल दी है बाप प्राण गमाए। अरे एक काल जग माही, रच दो बिछुड़ रे रूप करतार। जाने जन्म जू लाओ दुनिया में, मर स्वर्ग रे धाम में आए। अरे अमर न जात न कोई दुनिया में, केवल नाम रे अमर हुई जाए। छोटे मच्छर को मच्छी गे के, मुंह अपने में बाले
लेती है दवाई, ता मच्छी को बुद्धा दुरु खावे, ता दुर दाब के सर्प ले जाए। सर पे नकुलरे खंड कर डारे, न्यूरे लेते हैं तिलार दवाए। स्वन चपेट मन्यारी यकी, कुत्ते चर खजे दाब ले जाए। झपट के मारे और बा धरती में दे तू है मिलाए। कहाँ तक कहें दादा हम तुमसे, मर के जीव बा स्वर्ग में आए। तासे लौट जाओ सिरसा को, तीजो बाऊ दल को रे समझाए। यादा दे रहूं न पावे, तीजो नारे सदिय करवाए। तेरा अब ना मिले गो लोहरो वीर, तेरा अब ना मिले गो लोहरो वीर। मलखान ने जवाब दिया, भैया जिस जीव ने स्नान सवान संसार में जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है, जाके मेरे भैया उदल को समझाए दियो। और वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, जाते ही जाते गजमोतन को सती कराए कि समझ गए हम मलखान कि जो जीव आत्मा इस नश्वर संसार से अपने शरीर से त्याज करके स्वर्ग में आ जाती है, शायद उसे परिवार वालों की याद नहीं रहती। लेकिन एक बात बताएं तुम्हें मलखान, क्या कहोगे दादा, क्या बोले हैं मंडलीक भैया? आँखों में आंसू भर आए, सुध गई थी बिरन की आई रे। अपने भैया उदल कौन कदी जो बोल सुनाए रे। बिलख रहो बू से रसा में बाए, तीजो धीर बधाई रे। और हिलकी लेकिन आज मलखे की आलन गही थी कलाई रे। भैया 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 कह के उदलिया जो तो टेरा तू है। और जल्दी चलियो सिरसा में, तेरी आस अटा पहर तू है। भैया हिलकी लेखे बात आज जान दिल की कह रही है। अब तो हिलकी लेखे बात आज जान दिल की कह रही है। दिल की कह रही है बा
बात जाने दिल की कह दई है अब तो हिलकी लेके बात के भैया। मेरे नौजवान साथियों, खुले शब्दों में जब मलखान को ये जवाब दियो है, मलखान जवाब देने लगे, भैया अगर उदल किसी तरह नहीं मानता है तो जिसके हाथों में तीन लोकों के शासन की बागडोर है, स्वाधीन सच्चिदानंद ब्रह्म अगर मुझे स्वर्ग से कुछ समय के लिए सिरसा में भेज दे तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, वैसे मेरे शरीर पे अधिकार ना है भैया। तो ये दोनों आला और मलखान स्वाधीन सच्चिदानंद ब्रह्म विष्णु देव के दरबार में पहुंचे हैं, जहां पर नाना प्रकार से स्तुति आला ने विष्णु देव की है। और क्या कहने लगे पिताजी? आला, हाँ पिताजी, तुम तो इस संसार में अमर हो, मगर तुम पैरों का स्पर्श किया और आंखों में आंसू लेकर सिर्फ दो शब्द कहे, पिताजी मेरे आईवे को कारण कुछ रहस्यमय है। क्या? आज कछु देर को मलिखे भैया सिरसा में पठवैयो, हाय हाय। अब कछु देर को मलिखे भैया सिरसा में पठवैयो, उदल भैया मेरो मर रहो है, उदल भैया मेरो मर रहो है, मर बे से भाई बचाइयो। महाराज जाए ना सिरसा वालो है और मोह जाल में उदल अपने हने दुधारो है, बबला मर के सबरो को तुम आज जा स्वर्ग में आ जाइए, बबला मर के सारो को तुम आज जा स्वर्ग में आ जाइए। स्वर्ग में आ जाइए बबुल सब स्वर्ग में आ जाइए, अब तो मर के सबरो को तुम पिताजी स्वर्ग में आ जाइए। जब अपने परम भक्त के ये शब्द सुने, एक बात का ध्यान रखना लोगों, भक्तों ने इनको नाना भात नचायो, लोक लाज तज दई आज इन बैकुंठ बिसरायो। भक्तों के लिए भगवान नाना प्रकार से नाच नचे, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। मैं तो यही कह सकता हूं लोगों, परिवार वालों के लिए ईश्वर रोता है, अगर उस स्वाधीन सच्चिदानंद ब्रह्म के लिए एक बार आंखों से आंसू बहाकर देखो तुम्हारे गले का हार बन जाएगा। विष्णु देव हंस बोला न लागे बेटा मानो कही हमारे, और जो मलखान स्वर्ग से जावे तो मर जाता भंग हुई जाए। और सती जाओ सिरसबा काजे प्रगट हो बे लहस में जाए, आज पांच घड़ी में कारज करके सकती लगे स्वर्ग में आए। अगर मलखान स्वर्ग से जाता है तो ये स्वर्ग का नियम भंग हो जाएगा, इसलिए हम तुम्हें वरदान देते हैं कि पांच घड़ी के लिए हम एक ऐसी विशेष सत्य भेज रहे हैं जो मलखान की लाश में प्रवेश करके तुमसे वार्तालाप करेगी, और पांच घड़ी के बाद वो शक्ति पुनः स्वर्ग में आ जाएगी। हाय हाय, और चल लाग के आज बबला के चल भोते बकुरी को लाले, और जाके पहुंचो सिरसा में तब उदल ते कही सुनाई। मलखे अब तो है अट्टा पे चल के भ्राता मिलो हर साई, और सकल
महुबिया या जुहटा बहेरा तो बाटा मल्हारे जाने। इधर तो सभी परिवार वाले मलखान के आने की इंतजार कर रहे हैं। तब तक क्या हुआ? स्वर्ग से वो शक्ति चली है, एक तीव्र प्रकाश करती हुई मलखान की लाश में जब प्रकट हुई। शक्ति चली सिरसबा पहुंची प्रगट भई थी लाश में जाए। अरे तनबो हरो आए गई रौनक उठ के खड़ो भाव मलखान। और फिर चित बतुए चक चहोरी देखन लगता दृष्टि को ताने। और ठाड़े देखे आला उदल तवला खन को करो प्रणाम। और फिर रिस हुई उदल से बोलो तू छो आओ हमारे धाम। और सुख में बसे जाए कनवज में अब मुख हमें दिखाए दो आए। और तब ही उदल बोलन लागे भैया पैया परे तुम्हारे। और तुम तो सुनत आज दुनिया में कोई अर छोड़ सूर्य माना है। और कोय सूर धरन पे उपजो जाने तुम को दो गिराए। और पांच घड़ी को हम आए भैया मिल ले भोजा पसारे। और बिछुरन मिलन विपत सुख संपत भोगत जीव कर्म अनुसार। और दिल्ली से जब बड़ पिरथी ने घेरो सिरसा को मैदान। और सात लड़ाई जा जग है भाई जीते जंग वीर चौहान। और भेद बताए दो मैया ने और माहिल ते कही सुनाए। और माहिल पूछ गए पिरथी ते पिरथी मोइली नो बुलवाए। और सत्तर खाई आज राजा ने सोतम ते दई ती खुदाई। और फिर बुलवाए पास मोए पिरथी बोले बचन प्रेम रस साने। खान जान भटनागर तो समसूर और नयान। और जोहर प्रगट करो घुड़िया ने कितनी तेज उड़े आसमान। और एड़ लगा बतौड़ी कबूतर दोनों ओर पंख दैतान। और तब हम बोले पिथी राज ते तुम को जीत चले चौहान। और सोई राजा पिथी राज ने एक घुड़िया के हनो निशान। और तू जो बान दो तरवा में तासो भाई प्राण की हान। और मरती बार दिखाए दो पौरुष पट को पिथी राज चौहान। और जब हम पटक चले पिरथी को घर अपने की सीत लगाई। आज भूरा सामत पिथी राज को दई पाछू ते सांग जवान। मरती बार पेज प्रभुरा की छूटे प्राण अटा पे आए। और जो हो पैदा मेरी मैया ते लोहरे दे सराज केला। और जो बन परेसी सब हुरा को दी जो चिता मध्य डरवा। और चार घड़ी में कारज करके हम तो जात स्वर्ग मैदान। चार चौद से के धूरे पे मेरी अति जो चिता रचाई। और ब्याह बहोरन को करवाइयो बने तो गढ़ दिल्ली में जाई। और तब गजराज सुता से बोलो दुल्हिन मानो कई हमारी।
लिखे गजमोतिन ने तव सैया ते कही सुनाए। और 27 दिन भय अटापे बिलखतला सतिया भरतार। और वाई गौ दलित सिरसा में हमको सती दिए करवाए। और प्राणन प्यारे पिया हमारे मत कौलियो अप्सरा ब्याए। और तब मलखाना जान हस बोलो दुल्हिन मानो कई हमारे। और चिंता जियरा में मत करियो बरहे नहीं अप्सरा नारी। और ब्याव बहोरन को तब करियो पहले लीजो सुत निहारी। और हो तकुल छर जो तिरियन के सो हम तुम्हें दे समझारी। और पिंडुरी जबर बार जांगन पे लंबे हो थी सके बार। और बाई कोख पे जो दिल हो बे कब उन गोद खिलावे लाले। और पिंडुरी जबर बार जांगन पे लंबे हो में शीश के बारे। और घनी उंगरियां मोटी पिंडुरी नारी कब हुन लइयो बिहाए। और कड़े दंत कट बोलन हारी नारी कब हुन पावे नाम। और विधवा बालापन हुई जावे पति को सुख न पावे बाम।